अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स को जो है वो बाकायदगी से ले रहे होंगे और डिस्कशन भी कर रहे होंगे फ़ीडबैक दे रहे होंगे अच्छा सा आई एम फ्रॉम लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस फ्रॉम मुल्तान दिस इज़ द लेक्चर नंबर वन द डिपार्टमेंट इज़ द बी एस इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इज़ द वर्ल्ड हिस्ट्री today topic is uh, life start on the earth my name is ikra khan वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप स्टार्ट करने लगे हैं तो हम आपको बता दें कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है वो सारा जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड ही होगा कि उसमें किस तरह से जो है वो वर्ल्ड जो है वो पहले बना है उसमें किस तरह से जो है वो ज़िंदगी वजूद में आई है और क्या क्या उसके अंदर फिर डिफरेंट जो है वो स्टेप बाई स्टेप उसमें होता चला गया हम इसके कुछ टॉपिक जो हैं वो अब स्टार्ट करेंगे और कुछ टॉपिक जो हैं वो हम उनको फर्दर जो है वो स्लोली भी उसको लेकर चलेंगे लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पहले करवाना चाहूँगी जिसमें फर्स्ट जो है वो है लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ जी द बिगनिंग्स ऑफ लाइफ या फिर लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ ये सेम टॉपिक्स से हैं इज़ इक्वल ये इक्वल है आप लोगों ने इसको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ जो है ये कोई और टॉपिक ना हो और जो मैम करवा रही हैं वो द लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ दो दोनों जो हैं वो सेम है एज़ एवरीबडी नोज को स्टार्ट कर रहे हैं एज एवरीबडी नोज नाव अडेज जैसे कि आजकल हर कोई जानता है द नॉलेज वी प्रोसेस ऑफ लाइफ बिफोर द बिगनिंग्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी कि लाइफ जो है ज़िंदगी जो है वो तब से ही शुरू हो गई है जब से ह्यूमन जो है वो मेमोरी एंड ट्रेडिशन इज़ ड्राइव फ्रॉम द मार्किंग एंड फॉसिल्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन स्टॉडफाइड रॉक्स अच्छा जैसे कि उन्होंने बताया है कि इंसानी हकूक की शुरुआत से कबल हम जिंदगी को जानते हैं यानी कि इंसानी जो है वो आ, शुरुआत भी नहीं थी इंसानी हकूक़ की शुरुआत से भी पहले हम जिंदगी को जानते हैं और वो किस तरह से कि इनकी तारीख में जो है वो हमें पता चलता है कि किस तरह से पत्रों में निशानियाँ जो है और फसल के जो हमें ज़िंदगी के मिले थे कुछ उसमें पॉइंट्स मिले थे कुछ प्रूफ्स मिले थे हमें एविडेंस मिले थे तो इस वजह से हम इंसानी ज़िंदगी को जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कबल आजमत यानी है तकरीबन यहाँ पे मेंशन भी होगा नेक्स्ट के वो कितने साल जो है वो पुरानी है अच्छा अब हम देख लेते हैं आगे कि वो हमें पत्थरों में जिस तरह से हमें उसके निशानियाँ मिली हैं फॉसिल्स मिले हैं और उसमें जो है वो हमें हासिल होती हैं ये सारी चीज़ें कि किस किस तरह से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी वी फाइंड प्रिजर्व इन शेल शेल एंड स्लेट लाइम स्टोन्स एंड सेंड स्टोन बॉन्स शेल्स फाइबर स्टेम्स फ्रूट्स फूट मार्क्स स्ट्रेचिंग स्क्रैचिंग्स एंड लाइक साइड बाई साइड विद द रिपल मार्क्स ऑफ द अर्लीस्ट आइड्स एंड द पिटिंग्स ऑफ द आर्लीस्ट फॉल अच्छा आप वो कहते हैं जिस तरह से शेल और स्लेट चूना पत्थर और हड्डियों से बने हुए ढांचे फर्श जो थे और इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें तो जो यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं फ़ाइबर्स वगैरह स्टेम्स वगैरह यानी फ्रूट्स थे जो भी फल वगैरह नज़र आई फुट मार्क्स यानी पाँव के निशान स्ट्रैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इस चीज़ का जो है वो हमें अंदाज़ा होता है हमें इन चीज़ों से कि ज़िंदगी जो है वो बहुत कबर आजमसी जो है वो हो चुकी थी दुनिया में है अच्छा जिस तरह से हमें पता चलता है चिरागों में जैसे सबसे जो है वो जल जो है वो लहरों के साथ की तरफ से जब हम देखते हैं सुर्ख बारिश के जो है वो पत्तों के साथ साथ जो है वो भी हमें पता चलता है कि बारिश जब बारिश वगैरह होती थी तब ये लोग क्या करते थे और इनके स्क्रैचिंग्स वगैरह इनके पेंट्स वर्कस वगैरह और दूसरे वुड वर्क से और स्टोन से बनाई हुई चीज़ें ये सारी एक सिविलइजेशन भी हमें मिलती हैं सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो इसका रिकॉर्ड हमें एक मिलता है इट इज़ बाई द सेड्यूल्स एग्जामिनेशन ऑफ दिस रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स डैट द पास हिस्ट्री ऑफ द अर्थ लाइफ हैज़ बीन pieced टुगेदर अच्छा वो कहते हैं ये पत्थरों के इस रिकॉर्ड के जो है ना वो एक रिकॉर्ड है जो हमारे पास है अभी भी रिकॉर्ड की रिकॉर्ड की सूरत में जो है वो हमारे पास है दैट मच नियरली एवरीबडी नोज टू डे जो कि हर कोई जो है वो उसको बहुत करीब से जानता है द सेडिमेट्री सेडिमेंट्री रॉक्स टू नॉट लाइन एटली नीटली स्ट्रम अबाउ दे हैव बीन क्रम्प क्रम्पड बेंट थ्रस्ट एंड अबाउट डिस्टार्टिड एंड मिक्स टूगैदर लाइक द लीव्स ऑफ अ लाइब्रेरी डैट हैज़ बीन रिपीटडली लूटेड एंड बर्नड and it's only as a result of many devoted uh, lifetimes of work what uh, that the record uh, has been put into order and read Achha, ab wo kehte वो कहती हैं कि ना इस तह, इसकाम पत्थरों को जो है यानी एक सरेमेंट्री पत्थरों की जो है वो, उसको एक स्ट्रेटम से बाहर नहीं है वो एक एक बहुत ज़्यादा घने और पति की तरह इस तरह की चीज़ों से मिलकर जो है वो बनाया गया है और वो कहती हैं कि ये सारे काम जो हैं वो देख के हमें पता चलता है कि ये काम जो है वो बहुत वक्फे वक्फे से जो है वो होते रहे हैं ठीक है और इसको आ, आ, वो तो कहते हैं जिस तरह से हम देखते हैं कि इन पत्थरों से और जो है वो चीज़ें बनाई गई हैं और इन सब चीज़ों को जो है वो सडिमेंट्री रोग से जो है वो किस तरह से उन्होंने बनाया तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इन्होंने किस किस तरह से जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी के वक्त के साथ साथ जो है वो इन चीज़ों को जो है वो बनाया फिर इसको वक्त किया अपने दूसरों के लिए भी जो है और फिर हमारे लिए भी कुछ निशानात छोड़े जो कि अभी तक हमारे रिकॉर्ड में है जिसको हमने एक तरतीब के साथ रखा हुआ है जिसको हम पढ़ते भी हैं द हॉल कॉम्पस ऑफ टाइम रिप्रजेंटेड बाई द रिकॉर्ड ऑफ रॉक्स इज़ नाउ एस्टिमेटेड एज़ अच्छा वो कहते हैं इससे हम इस इन बातों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है अब देखें द अर्लीस्ट रॉक्स इन द रिकॉर्ड आर कॉल्ड बाय जोलॉजिस्ट द एज यॉक्स बिकॉज दे शो नो ड्रेसिज ऑफ लाइफ अच्छा वो कहते हैं द अर्लीस्ट रॉक्स इन छा जी अब वो बता रहे हैं इसमें कि जो अर्लीस्ट यानी जो बहुत पहले कदीमी एक जो रॉक्स थी आ, उसके ज़रिए जो है वो पता चला है कि जिंदगी के कुछ निशानात जो हैं वो पहले पाए गए थे माहरी के मुताबिक जो जियोलॉजिस्ट हैं ग्रेट एरियाज ऑफ दिस एजियो एक रॉक्स लाई अनकवर्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड दे और ऑफ सच आर थिकनेस डेट जियोलॉजिस्ट कंसिडर डेट दे आर रिप्रजेंट अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द वन वन बिलियन सिक्सटी मिलियन विच दे असाइन टू द होल जियोलॉजिकल रिकॉर्ड लेट मी रिपीट दिस अच्छा पहले हम यहाँ तक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं वो कहते हैं कि वो क्योंकि वो जो है उसमें कोई भी निशाना जो नज़र आए हैं वहाँ पर हमें उसमें जो है वो सारा कुछ जो है वो जुक रखो यानी आरज जो है वो रॉक्स में जो है वह हमें पता चला है जो कि शुमाली अमेरिका में जो है वो इनके इलाकों में इस तरह से गिरे थे यानी जो हमें नज़र आए वहाँ पर रिकॉर्ड के तौर पर अच्छा अब वो कहते हैं इसमें कुछ भी जो है वो झूठ नहीं है क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं दिखाते हैं रिकॉर्ड वगैरह में ठीक है तो वो सारा जो है वो एक सही है लेट मी रिपीट दिस प्रोफाउंडली सिग्निफिकेंट फैक्ट हाफ द ग्रेट इंटरवल ऑफ टाइम सिंस लैंड एंड सी दी व्यर फर्स्ट डिस्ट एंड ऑन अर्थ हैज़ लेफ्ट अस

कि मुझे ये जो है ना एक हकीकत के बारे में मुझे पता चला है कि दो ज़मीन जिस पर समंदर के अज़ीम वक्फ़े के बाद इस ज़मीन पर फसल जो है वो एक उगाई गई थी ज़िंदगी की उसमें कोई निशानी नज़र नहीं आई बिकॉज़ उसमें कोई भी हमें ज़िंदा जिंदी मतलब और, एक अलाइव ऑर्गनिज़म नहीं मिला हमें उसमें कोई ज़िंदा चीज़ नहीं मिली आ, मिली और ना ही कोई आ, जो है वो उसके कोई खुलिए मिले यानी कोई ज, उसके जो है वो आ, जो 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 सीम्स जो होते हैं वो नहीं मिले अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं द फर्स्ट इंडिकेशन्स द लाइफ वॉज देन एज वी कम अप द रिकॉर्ड साइंस ऑफ पास्ट लाइफ अपीयर्स एंड इंक्रीज द पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इन विच वी फाइंड दिस पार्ट ट्रेसिस इज कॉल्ड बाई जियोलॉजिस्ट द लॉर पेलाज एज द फर्स्ट इंडिकेशंस डैट लाइफ वॉज एस्टार एज वेस्टिज ऑफ कम Comparatively simple and loyally things: the shells of small shellfish, shellfishes, the stems and uh, floor uh, floor-like heads of zoophytes, uh, uh, seaweeds, uh, seaweeds, and uh, track and remains of sea worms and crustacea. Very early appear certain uh, creatures uh, rather like plant lice, plant-like crawling creatures which could not, uh, which could roll themselves up into balls and the plant lies plant lies do the trilobite uh, tri uh, trilobites uh, later later by a few millions years or so come uh, certain sea scorpions more mobile and powerful creatures than the world had ever seen before Achha. अब वो कहते हैं दुनिया की तारीख़ की उम्र जिसमें हम इनके जो है वो माजी यानी पास्ट के बारे में हम जो है वो उनकी चीज़ें तलाश करते हैं और माहरी की तरफ से जो है वो हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल उनकी तरफ से मिलती हैं और वीज़ पर तजिया करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये कितनी कबल है यानी कितनी पुरानी हैं और इन पर जो है वो किस तरह से जो है वो काम होता था किस किस तरह से इन चीज़ों को बनाया गया था ये चीज़ें किसके इसम के लिए थी तो ये सारी हमें वहाँ से पता चलता है जो भी यानी इसमें ज़िंदगी जिस चीज़ में मौजूद थी हमें जो हैं वो माहरी इसके बारे में बताते हैं जो कि जियोलॉजिस्ट हैं आ, अच्छा अब वो कहती हैं कि इनके पास जो है ना वो काफ़ी आसान और कम से कम जो है वो उंगलियों उंगलियों वाले छोटे छोटे से निज़ाम थे उं, उंगलियों के छोटे बाजू वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं उनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी आ, अच्छा वो कहते हैं कि हमने खुदाई के दौरान जो है वो हमें पता चला कि उसमें समंदर के जो हैं वो कीड़े वगैरह और समंदर के हशरात और जानवर वगैरह आबी जानवर जो थे वो किस तरह से उनके उनको किस तरह से इस्तेमाल करते थे उनके ज़रिए वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बनाते थे ईंधन वगैरह और अपने खाने का इंतज़ाम पूरा करते थे और इसके अलावा जो उनके उनके लिए जो आ, उनके ढांपने के लिए बदन को वो चीज़ें यूज़ करते थे उनसे और बहुत दीगर अशिया जो कि वो उनसे हासिल करते थे ठीक है अब वो कहते हैं कि उनके खुदाइयों के दौरान जो है वो हमें बहुत कुछ पता है वो कहते हैं हमें बहुत सारे जो हैं वो पौधे वगैरह और उसकी जड़ी बूटियाँ वगैरह भी हमें वहाँ पे मिली जो कि अब शायद देखने में नहीं आती हैं वो चीज़ें भी वहाँ पर हमें मिली नॉन ऑफ़ दिस क्रीचर्स वर ऑफ़ वेरी ग्रेट साइज़ वो कहते हैं इनमें से कोई भी क्रीचर जो थी वो इतनी बड़ी यानी कि उनका वज़न या उनका साइज जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था अमंग द लार्जेस्ट वर सर्टन ऑफ द सी स्कॉर्पियज जबकि सिवाय उस जो कि उनमें एक बहुत उनके दरमियान में एक था सी स्कॉर्पियो यानी समंदरी बिछू जो कि याइन फीट इन लेंथ जो कि सबसे ज़्यादा थे जो कि नो फीट जो है वो लंबे थे दे आर आर नो साइंस वट एवर ऑफ लैंड लाइफ ऑफ एनी सोर्ट प्लांट और एनिमल्स देर आर नो फिशिज़ नो और एनी वर्ड्स क्रिएचर्स इन दिस पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड अच्छा अब वो जिस तरह से बता रहे हैं इसमें कहते हैं किसी भी किस्म की ज़मीन की ज़िंदगी जो भी ज़मीन या जानवर की कोई ज़िंदगी इसमें नहीं है कोई मछली नहीं है और ना ही किसी भी बर्तन यानी तख्ली कारों को दोबारा काम करने का हिस्सा जो है वो उसमें नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कोई भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं की essentially all all the plants are creature which have left as left us there are traces from the period of the earth history um our shallow कहते हैं जो भी वहां पे पहले plants वगैरह थे जो creatures वगैरह थी वो सारी जो हैं वो अब यहां अब नहीं है वो सारी खत्म हो चुकी हैं अब उसकी हिस्ट्री ही बस रह गई है अब हम उसको दोबारा से जो है वो नहीं जो है वो नजर आ रही है हमें वाटर एंड इंटर इंटर टाइडल बीइंग्स इफ वी वेस्ट टू Parallel the flora and uh, f uh, fauna of the lower Paleozoic rocks on the earth today, we should do it best, um, except in the uh, matter of size, by taking a drop of water from a rock pool or scummy ditch and uh, scanning uh, uh, it under a microscope. अच्छा जी अब वो क्या इसमें बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो उन्होंने इन चीज़ों को जो है वो देखा ये ये चीज़ें यानी कि जो इनको अब नज़र नहीं आती हैं जिसकी वो विश करते हैं लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो अब नहीं होती जस्ट उनकी एक हिस्ट्री है कि किस तरह से उनको वो खुदाई में या फिर किस तरह से उनको वो पुरानी तहजीबों में सिविलइजेशन में उनको वो मिली थी The little uh, crustacea, yeah, the small uh, shellfish, the zoophytes, and uh, algae we should find uh, there would display a quite uh, striking resemblance of these clamshells, large um, phototypes uh, that once were the crown of life upon our plant. प्लानट अच्छा अब वो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं वो कहते हैं ये पहले कभी जो है वो आ, हमारे प्लानट का ज़िंदगी का ताज हुआ करती थी यानी ये सारी चीज़ें जो कि अब नहीं हैं इट इज़ वेल हाउ एवर टू बियर इन माइंड डेट द लॉर पैराजोइक रॉक्स प्रोबेबली डू नॉट गिव अस एन एनी थिंग एट ऑल रिप्रजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लानट अनलस आर करेचर्स हैज़ बॉन्स और अदर हार्ड पार्ट्स अनलेस एटवेयर्स अशल और आ बिग इन्फ एंड हैवी इनफ टू मेक करेक्टरस्टिक्स फुट प्रिंट्स एंड ट्रेल्स इज मड अच्छा आप वो कहते हैं जितनी चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं जो कुछ के साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी और कुछ बहुत छोटी थी लेकिन उनके मर्ड वैरह में उनके फुट प्रिंट्स मिले हैं जिस जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ एस्टीमेट के थ्रू जो है वो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें कैसी थी और दिखने में ये कैसी हो सकती थी और साइज़ में कितनी बड़ी थी इस तरह से इट इज़ अनलाइकली टू लीव एनी फसलाइज्ड ट्रेसिस ऑफ इट्स एक्सटेंस बिहाइंड यानी इसके पीछे जो है वो हमें इनके फॉसल्स मिले हैं जिसकी वजह से हमने इनको ट्रेस किया है और इनका अंदाज़ा लगाया है देर आर हंड्रेड ऑफ थाउजेंस ऑफ स्माल सॉफ्ट बॉडी इन आवर वर्ल्ड विच इज इन इनकल कंसीवेबल कैन एवर लीव एनी मार्क फॉर फ्यूचर जियोलॉजिस्ट ए टू डू डिस्कवर अच्छा वो कहते हैं आज की तारीख में जो है वो तो हमें बहुत सारे हज़ारों और लाखों की तादाद में जो है वो हमारे स्पीशीज जो हैं वो, वो यहाँ मौजूद हैं जो कि हमें मिलती हैं लेकिन जो पहली थी वो हमें लीव कर गई हैं जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग the waters of the warm and shallow lakes and seas of the, the so called azoic Boy period may have teemed with an infinite variety of loily jelly like shell लेस एंड बॉन लेस क्रिएटर्स वो कहते हैं बहुत सारी क्रिएचर्स जो थी वो तब भी थी मौजूद जैसे कि शैलो लेक्स वगैरह में और सीज यानी वॉम गरम जो थीं वो गरम झीलें वगैरह या फिर कोई समंदरों वगैरह में जिसमें मिली हमें एक पीरियड के दौरान जेली फिश जैसे हो शेल कुछ हो कोई शेल वगैरह में हो ये सारी चीज़ें पहले भी थी अब नहीं है ये पहले से भी थी ठीक है और इसके अलावा द रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स इज़ नो मोर आ कम्प्लीट रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लाइफ इन द पास्ट दैन द बुक्स ऑफ अ बैंक और रिकॉर्ड ऑफ़ द एग्जिटेंस ऑफ एवरीबडी इन द नेबरहुड अब वो कहते हैं हमें बहुत यानी बुक्स ऑफ बैंक में भी हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो मिली हैं स्टॉक्स वगैरह में जिसमें हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास किन किन चीज़ों का मुकम्मल रिकॉर्ड पड़ा है जिंदगी का कि कब से या रॉक्स वगैरह का यह सारी चीज़ों का जो है वो हमें इसमें पता चल जाता है इट इज़ ओनली वेन अ स्पीशीज बिगिनस टू secret uh, a shell or a spicule a uh, uh, carapace uh, carapace, or a lion spotted stem and support so by something for the future that is goes upon the record but in the rocks of an age prior to those which uh, bear my fossil trace और ग्रफाइट ऑफ अनकम्बाइंड कार्बन इज समाइम्स फाउंड एंड सम अथॉरिटीज कंसिडर डेट इट मे हैव बीन सेपरेटेड आउट फ्राम कम्बिनेशन थ्रू द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ अन लिविंग थिंग्स अब इसको जो है वो देख लेते हैं जी हमने ये जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है इसमें हमने ये देखा है कि ये यानी कि ये जो है वो ओ... एक जो है वो जहन बर्दाश्त करने के लिए जो है वो कम इस पत्थरों के बारे में और सारी इस स्यारे पर जिंदगी की पहली तारीख और तमाम नुमाएं का नुमाइंदे वगैरह जो कि कुछ भी जो इसमें सर्च करते हैं और इसका रिकॉर्ड रखते हैं वो सारी चीज़ें जो कि हमने पहले देखी हैं कि मखलूक़ थी पहले भी क्योंकि तो हमें हड्डियाँ वगैरह मिली तो उसकी सारी चीज़ें और जानवर वैरह उनके इंसेक्ट्स वगैरह कुछ अशरात और इस तरह की चीज़ें हमें काफ़ी जो है उनके फोसिल मिले जिससे हमें एस्टीमेट हुआ कि ये चीज़ें सबसे पहले भी मौजूद थी और कुछ अब जो हैं वो नहीं हैं कुछ यानी जो हैं वो नपैद हो चुकी हुई थी जैसे कि आपने कुछ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा होगा आपको पता भी होगा जैसे कि डायनासोर है जो कि अब नहीं है इस तरह से लेकिन उनके कुछ हमें मिलते हैं आसार वगैरह जो हमें नज़र आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो पहले मौजूद थे फुटप्रिंट्स से हमें पता चलता है इन सब चीज़ों का अच्छा अब वो इन सब चीज़ों पर जो है वो ग्रेफाइट वैरा फोसेस ट्रेस को जो है वो ट्रेस करते हैं और बाद में जो है वो इन सब को एक यानी इन सब को जो है वो इन पर गौर करते हैं इन काम पर और फिर जो है वो इन सरगर्मियों को जो है वो अलग अलग करके वो पता लगाते हैं कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं और इन चीज़ों से क्या काम लिया जाता था ये था लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ यानी बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ तो हमने इसको जो है वो डिस्कस किया है इनशाला जो है आप मुझे इसको रिलीट करने के बाद जो है वो फीडबैक भी देंगे डिस्कस भी करेंगे तो इनशाला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अपना और अपने फैमिली वालों का बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें इनशाला हाफ़